तो हे गाइस वेलकम बैक टू भाविक एडिट्स। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है बहुत अमेजिंग और लेंस कॉन्सेप्ट है ये हमारा। जो भी मैंने इसमें PNG यूज किया वो सबका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गो। हाँ तो गाइस आपको ये बैकग्राउंड पीस कार्ड में ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड फोटो पे आना है, और ऐड फोटो पे आने के बाद आपको पहले ये लेंस का जो PNG होगा उसे यहाँ पे आपको सिंपली बस रख देना है। जैसे आप देख सकते हो मैंने भी इसे ऐसे परफेक्ट आपको बीच में रख देना है। फिर यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद आपको फिर से ऐड फोटो पे जाना है और आपका जो मॉडल का PNG लेना है, जो कुछ मैंने घर पे क्लिक करा था उसका बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज किया। अगर आपको इरेज करना नहीं आता है तो मैंने उस पर पूरी वीडियो बनाई है, तो आप वो देख सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो ये परफेक्टली एकदम मैंने इसे स्टूल पे बैठ के खिंचाया था, तो आप लोग भी स्टूल या ऐसे कोई यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो ये परफेक्टली मैंने इसे रख दिया है, तो मैं यहाँ से इसे डन कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो बहुत डर लग रहा है हमारा फ़ोटो, पर कुछ नहीं, ये अच्छा हो जाएगा। आगे चल के लाइट रूम में भी इसे हम इफेक्ट देंगे। तो हम ये कुछ लेंस का PNG लेंगे और इरेजर वाले टूल पे जान के आपको यहाँ पे ये जो दो लेंस हो गए उसे मिटा देने हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ कॉर्नर वाले लेंस लेने हैं। तो यहाँ पे आपको सब फुल स्क्रीन करके यहाँ पे आपको डन कर देना है। फिर आपको फिर से ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जान के आपको ये लेंस के PNG लेने, जैसे बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट लेंस के ऊपर ही है। तो एक हमें यहाँ पे ऐसे पीछे रख देना, और एक हम इसे थोड़ा सा और बड़ा करके एक कुछ ऐसे रख देंगे जैसे पता चलेगा, और इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे। तो देख सकते हो एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो मैं यहाँ से इसे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद आपको फिर से एडफोट पे आना, ये वेलकम टू ये वाला आपको बोर्ड लेना है, इसको आपको छोटा करना है और कुछ ऐसे आपको रख देना है। और यहाँ से फिर डन करना है। डन करने के बाद आपको फिर से ऐड फोटो पे आना है, और ये लेंस का आपको PNG लेना है। उसके बाद आपको इसे छोटा करना है, और ये जो मैंने ऐसे आप देख सकते हो ये मेरे हैंड का शेप, वैसे हमें इसको इसके ऊपर ऐसे रख देना है। तो मैं इसे रख देता हूँ। फिर आपको इसकी ओपेसिटी कम करनी है, और जो जो आपके फिंगर्स के ऊपर आ रहा होगा उस एरिया को आपको इरेज कर देना है। सिंपली इसे आप देख सकते हो। फिर आपको इसकी ओपेसिटी बढ़ा देनी है। जैसे आप देख सकते हो हमारा एकदम ये परफेक्ट लग रहा है जैसे हमने इसे हाथ में पकड़ा है। तो यहाँ से मैं इसे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद हम फिर से यहाँ पे ऐड फोटो पे आएंगे। ऐड फोटो पे आने के बाद आपको ये स्मोक का PNG लेना है, इसको आपको फुल स्क्रीन ऐसे करना है, और फिर इसका ब्लेंडिंग मोड आपको चेंज करना है। यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है, और फिर यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वाला टूल मिल रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर आपको टाइप करना है #photography। सब देख सकते हो यहाँ पे मेरे आ गया, तो आपको भी ऐसे #photography टाइप करना है। फिर यहाँ से डन करने के बाद इसका आपको मोड चेंज नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे कलरिंग वाले पे आना है, और सेकंड वाला आपको ग्रेनाइट चुनना है, इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करना है, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे रख देना है, मतलब कुछ ऐसे छोटा करके आप ऐसे रख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट लग रही है, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। वैसे टेक्स्ट PNG आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे PNG आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सब देख सकते हो हमारा ये जो था पूरा हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे एक शेडो बना लेता हूँ। शेडो के लिए पहले हमें शेडो का इफेक्ट लगा देते हैं वहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के इसकी ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो तो मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ 60, और फिर यहाँ से आपको इसे डन कर देना। जैसे आप देख सकते हो हमारी पूरी जो फोटो थी वो पूरी रेडी हो चुकी है। अभी हम यहाँ से टूल्स पे जाएंगे, और यहाँ से एडजस्टमेंट पे जाएंगे, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे,
फिर आपको यहाँ पे इरेजर वाले पे आना है और इनवर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है, ब्रश की साइज़ को कम करना है और ओपेसिटी और हार्डनेस को आपको कुछ सेम ही रखना है। फिर हमें साइन इफेक्ट देना है, तो हम अपने फेस के लिए साइन इफेक्ट देते हैं, जहाँ जहाँ आपको देना है वहाँ वहाँ आप दे सकते हो। जैसे आप जैसे देख सकते हो, तो मैं इसको कुछ इतना रख लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ। आपको भी ऐसे अपने फोटो में साइन इफेक्ट देना है। ये यहाँ पे भी हो गया जैसे आप देख सकते हो, तो आपको भी ऐसे परफेक्टली एकदम करना है। तो मैं इसकी ओपेसिटी कुछ रखता हूँ 10 रख देंगे हम, 10 नहीं तो कुछ 8 रख दूंगा मैं। फिर यहाँ से डन कर दूंगा। डन करने के आपको फिर से यहाँ पे टूल्स वाले पे आना है, फिर एडजस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट मिल रहा होगा, तो उस कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है और यहाँ पे आपको क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर यहाँ पे आपको सैचुरेशन मिल रहा होगा, तो सैचुरेशन को आपको थोड़ा सा प्लस साइड में ले जाना है। फिर यहाँ पे आपको हाइलाइट्स मिल रहा होगा, तो हाइलाइट्स को भी आपको थोड़ा सा प्लस में कर देना है। शेडो को आपको थोड़ा सा माइनस में कर देना है। और यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर मिल रहा होगा, उस टेम्परेचर को आपको थोड़ा कोल्ड साइड में ले जाना है। जैसे आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो में एकदम रियलिस्टिक इफेक्ट आ रहा है, कोल्ड पे ले जाओगे तो मैं इसे कुछ -40 पे रखता हूँ। यहाँ से फिर डन करता हूँ। उसके बाद मैं इस फोटो को ड्रॉ टूल में जाके सेव करता हूँ और फिर इसे हम लाइटरूम में थोड़ा इफेक्ट देंगे। उसके लिए मैं यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं लाइटरूम में। हाँ, तो गाइस जैसे आप देख सकते हो मैंने मेरी फ़ोटो को लाइटरूम में ऐड कर लिया। तो अभी हम यहाँ से फिर सन वाले टूल पे आएंगे और इसका जो एक्सपोजर होगा उस एक्सपोजर को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होगा, उस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस में कर देंगे। और फिर यहाँ पे आपको हाईलाइट्स दिख रहा होगा, तो हाईलाइट्स को थोड़ा सा प्लस में करेंगे, शेडो को थोड़ा सा माइनस में करेंगे। और यहाँ पे जो ब्लैक्स होगा, उस ब्लैक्स को थोड़ा सा माइनस में कर देंगे और वाइट्स को प्लस में कर देंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फिर आपको कलरिंग वाले पे आना है। यहाँ पे आपको विब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। विब्रेंस आप थोड़ा सा बढ़ा दो, उसके बाद आपके यहाँ पे जो टेम्परेचर दिख रहा होगा, उस टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस के साइड पर लेके जाना है, मतलब प्लस में। और फिर यहाँ पे आपको टिंट दिख रहा होगा, तो उस टिंट को भी आपको थोड़ा सा माइनस में ले जाना है। जब देख सकते हो फोटो में अलग इफेक्ट आ रहा है। फिर यहाँ पे आपको मिक्स वाले टूल पे आना है और ये जो ऑरेंज वाले कलर को लेना है, ये हमारे स्किन के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको इसकी जो ल्यूमिनस होगी उसको थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देनी है और सैचुरेशन को आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। ऐसे आप देख सकते हो ये जो हुई होगा उसको आपको थोड़ा सा माइनस में कर देना है। फिर यहाँ पे आपको इस वाले टूल पे आना है, यहाँ पे आपको इसको माइनस कर देना है, सैचुरेशन को प्लस में कर देना है, लुमिनस को माइनस में करना है। फिर आपको ग्रीन वाले पे आना है, इसे आप देख सकते हो, तो इसको हमें थोड़ा सा प्लस में ले जाना है, सैचुरेशन को आपको थोड़ा सा प्लस में ले जाना है। और ये जो लुमिनस होगा उसको आप माइनस में भी रख सकते हो वैसे तो। फिर यहाँ पे आपको ये एक्वा कलर में आना है, इसका भी आपको सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना है और लुमिनस थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद आपको यहाँ ब्लू वाले पे आना है, इसका भी सैचुरेशन आप बढ़ा दोगे, वही बढ़ा दोगे और लुमिनस माइनस में कर दोगे। जैसे आप देख सकते हो हमारे जो ट्रैक था मेरा, जो उस पर भी अलग इफेक्ट आ रहा है और मैं इसका सैचुरेशन और ये थोड़ा सा भी कम कर देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ से इसे डन कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे आपको टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है फ़ोटो में क्लियरिटी आने के लिए। फिर आपको यहाँ पे ये विग्निटी को थोड़ा सा माइनस में कर देना है। फिर यहाँ पे आपको मिड पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा देना है और ये राउंडनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर आपको ये हाइलाइट्स दिख रहा होगा, तो हाइलाइट्स को भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर आपको नीचे यहाँ पे शार्पन वाले टूल पे आना है। इस फोटो में थोड़ी सी आपको शार्पिंग डालनी है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ इतना 108 रख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मास्किंग बढ़ाना है। मास्किंग बढ़ाने के बाद आपको अपने दूसरे हैंड से मास्किंग के लाइन पे रखना है और कुछ जैसे आप देख सकते हो मेरी फ़ोटो को, तो जब तक ये कॉर्नर पे मेरा पूरा नहीं हो जाए तब तक मैं हमें इसे आगे तरफ खींचना है।
जैसे आप देख सकते हो हमारी जो हमारा जो अभी शार्पन था बस ये कॉर्नर पे ही हुआ, और पूरी फोटो हमारी जो थी एकदम प्रॉपर है। तो यहाँ पे आपको नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देना है थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको कलर नॉइस रिडक्शन दिख रहा होगा उसको भी आप बढ़ा दोगे, और फिर यहाँ पे आपको स्मूथनेस दिख रहा होगा उसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे। जैसे आप देख सकते हो हमारा पूरा काम लाइट रूम का हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे आएंगे, ग्रेनेड मारेंगे थोड़ा। तो आज जैसे आपको पता होगा ग्रेनेड सिर्फ PA वर्जन में मिलता है, तो इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो हम कुछ अपने फेस पे ऐसे कर लेंगे, जैसे आप देख सकते हो। तो मैं अपने फेस का जो ब्राइटनेस है थोड़ा सा वो बढ़ा देता हूँ जिससे मेरा फेस क्लियर दिखे। जैसे आप देख सकते हो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो हमारी एडिटिंग थी, ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ, सेव टू डिवाइस कर देता हूँ। जैसे आपको अभी आपने देखा जो ये हमारा कॉन्सेप्ट था DSLR लेंस का था। अगर आपको ये फोटो अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे रखना, इससे मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।